हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू फिट एंड फाइन। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने 12.2 के थ्री सम किए थे, आज हम नेक्स्ट थ्री करेंगे। फोर सम है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म्स अ प्रोपोर्शन और नॉट। उन्होंने कुछ रेशियोज दी हुई हैं, हमें ये फाइंड करना है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। फर्स्ट जो सम है उसमें देखो, एक साइड लीटर है, एक साइड मिली लीटर। ये जो डिजिट है ना, लीटर मिली लीटर, ये सेम होने चाहिए। इधर हमें भी क्या बनाना पड़ेगा, मिली लीटर, और इधर भी क्या आएगा, मिली लीटर। ये दोनों साइड रुपीज हैं, ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम में भी देखो रुपीज हैं, फिर बॉटल बॉटल है, ये तो सही है, पहले ही सही है। इसको हमें करना पड़ेगा, हम ये सब करके देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लीटर 250 मिली लीटर एंड रुपीज 1000 रेशियो रुपीज 250। 1 लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं, 1000, तो ये क्या आ गया, 1000 मिली लीटर रेशियो 250 मिली लीटर एंड रुपीज 1000 रेशियो रुपीज 250। दोनों को रेशियो में लिखा, जीरो से जीरो कट हो गया, 25 के टेबल पे 100 जाएगा 4 पे, तो ये क्या बन गया, 4:1, 4:1। तो हमने क्या लिख दिया, रेशियो आर इन प्रोपोर्शंस। इन अ प्रोपोर्शन फर्स्ट सेकंड फोर्थ टर्म आर 32, 112, 217 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड टर्म। हमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, लेट कर लिया जो थर्ड फ्रैक्शन है वो एक्स है, रेशो में लिखेंगे। फर्स्ट 32 थी, फिर 112, फिर एक्स आएगी, फिर रेशो 217। रेशो में लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। जिसके साथ एक्स था, मानो हमारा 112 के साथ एक्स था, वो नीचे चला जाएगा इनके, फिर कटिंग हुई है। कटिंग करने के बाद एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 62। फाइंड एक्स इफ 25, 35 एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें क्या होता है, ए एंड बी एंड सी दिया होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 35 है, एंड सी की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स। हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द वैल्यू आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, उन्होंने दिया हुआ है ये सम किसमें, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और क्या लिख सकते हैं इसको, ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी। हमने लिख लिया, फर्स्ट दी थी 25, बी की वैल्यू 35, सी की मान ली एक्स, रेशियो में लिख लिया। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 25 जब नीचे आया, 5 के टेबल पे ये 5 पे, 5 के टेबल पे 7 पे, 5 के टेबल पे ये गया 1 पे, 5 के टेबल पे 7, 7 जा 49, तो एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 49। बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 12.2 के फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स सम किए हैं, आपको यही फेयर पे करने हैं और अच्छे से सुंदर राइटिंग है।